हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ जीनियस माइंडेड लोगों के 6 सिग्निफिकेंस जो हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे या हो सकता है आपको अचंभे में डाल दे। मगर मैं ये बात आपसे क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये सारी बातें 100% साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और मुझको कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने साइन जीनियस पर्सन से मिलते हैं। नंबर 1, लेफ्टी। दोस्तों, अगर आप एक लेफ्टी हैं तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आप एक जीनियस हैं। ऐसा कहना है ऑथर मारिया कानी कोवा का। इन्होंने पीएचडी किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से। इनकी लिखी हुई बुक एक टाइम की न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है और यह खुद ही एक सुपर स्मार्ट लेडी हैं। इन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड लोगों का ग्रुप बनाया और दोनों ग्रुप में इन्होंने ग्लोब से देखकर नक्शा बनाने को कहा, जिसमें लेफ्ट हैंडेड ने बेटर परफॉर्मेंस दी और काफ़ी डिटेल में इन लोगों ने नक्शा बनाया। साइंटिस्ट ने पाया कि लेफ्टीज के पास क्रिएटिव दिमाग और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जिसकी मदद से यह लोग नए नए आइडिया नए नए थॉट के बारे में सोच पाते हैं। तो अब जो राइट हैंडेड लोग हैं वो अपने लेफ्ट हैंड का रोज़मर्रा के काम में प्रयोग करना शुरू कर दें, जैसे उल्टे हाथ से दांत मांजना, उल्टे हाथ से लिखना और भी बहुत कुछ। ऐसा करने से आपके दिमाग में एक एरिया डेवलप होगा जिसकी मदद से आप डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिव माइंड को हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, छोटी छोटी बातों पर फिक्र करना। दोस्तों, अगर आप भी छोटी छोटी बातों पर फिक्र करते हैं और लोगों ने आपको परेशान आत्मा कहना शुरू कर दिया, सॉरी 2015 में साइंटिस्ट ने कुछ स्टूडेंट से कुछ प्रश्नों को हल करने को कहा, जिसमें कुछ बच्चे प्रश्नों को तुरंत हल करने में लग गए और कुछ बच्चे चिंतित होकर आराम आराम प्रश्नों को हल कर रहे थे। सर्वे हो जाने के बाद रिसर्चर्स ने देखा कि जो बच्चे चिंतित महसूस कर रहे थे उनका रिजल्ट अच्छा था। साइंटिस्ट ने बताया कि यह बात सीधी फैक्ट से जुड़ी है। जो बच्चे ज़्यादा चिंतित थे वह बच्चे ज़्यादा सीरियसली अपना काम कर रहे थे, इस वजह से उनके रिजल्ट अच्छे थे। नंबर 3, देर रात तक जागना। आपने या तो खुद ही देखा होगा जब सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और आप अपना प्रोडक्टिव काम रात में करते हैं और या किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं, तब आपके दिमाग में कुछ गतिविधियां होती हैं जिसकी वजह से आप अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने अमेरिका एयरफोर्स में नए भर्ती हुए लोगों को देखा कि वह देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो रिसर्चर्स ने उनसे पूछा तो उन लोगों का जवाब यह था कि हम अपने ज़रूरी काम रात में ही करते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि देर रात तक जागने वालों का आईक्यू लेवल हाई होता है और यह है कुछ बड़े बिलीनियर्स की फोटो जो देर रात तक जागने पर विश्वास करते हैं। नंबर 4, दिल के मासूम और आसानी से मगन हो जाने वाले लोग। चलिए बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आप बैठे अपना काम कर रहे हैं, तभी कुछ लोग आते हैं और आपसे कुछ सवाल करते हैं, आप उनकी बातों का जवाब देते हैं, फिर वो आपसे कुछ सवाल करते हैं, फिर आप उनकी बातों का जवाब देते हैं और ऐसे करते करते कब घंटे दो घंटे निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप बाद में अफसोस करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह परेशान होने वाली बात नहीं है। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि यह लोग जीनियस होते हैं, कुछ को इसके बारे में पता होता है और कुछ नहीं जानते कि वह जीनियस हैं। अगर आपको साइंटिस्ट की बातों पर भरोसा है, इनफैक्ट आपको मेरी बातों पर भरोसा है कि एनसाई आपसे जो कहेगा वो एकदम सच होगा और 100% साइंटिफिकली प्रूव्ड होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग कहा करते हैं ना, भाई मेरे अंदर तो फोकस ना भी कोई चीज़ ही नहीं है, भाई मैं तो किसी चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता, तो भाई हो सकता है इन लोगों का फोकस और सेल्फ कंट्रोल कैपेबिलिटी कमज़ोर हो, मगर भाई इन लोगों का किसी काम को करने पर फोकस और सेल्फ कंट्रोल कैपेबिलिटी बहुत ही जबर होती है। या किसी भी नई कला को सीखने में एक्सपर्ट होते हैं या बहुत ही कम समय में उस कला के मास्टर बन जाते हैं और भाई भाई करने वालों को पीछे छोड़ जाते हैं। नंबर 5, पैदल चलना। 2016 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में डेमोग्राफिकल रिसर्च करने के बाद में बताया कि जो लोग बड़े शहर में रहते हैं और इतने कार, बाइक, ट्रेन और अदर ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट होने के बाद भी पैदल चलते हैं और पैदल ही चलना पसंद करते हैं, उन लोगों की इंटेलिजेंस दूसरे लोगों से अधिक होती है।
और इसके अलावा साइंटिस्ट ने दूसरे पैदल ही चलने वाले लोगों पर रिसर्च की तो उसका भी रिजल्ट सेम निकला। नंबर 6, टॉयलेट में मोबाइल चलाना। भाइयों, अगर आप भी टॉयलेट में मोबाइल यूज़ करते हो तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और अपनी सीट बेल्ट को कस के बांध कर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, साइंटिस्ट कई सालों से रिसर्च करते हुए आए हैं और उन्होंने बताया है कि जो लोग टॉयलेट में अपना मोबाइल यूज़ करते हैं या टॉयलेट में अखबार पढ़ते हैं, वह लोग असल में एक जीनियस होते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट ने कई बड़े बिलीनियर से भी पूछा तो उनका भी कहना सेम था कि वह टॉयलेट में मोबाइल इस वजह से चलाते हैं और टॉयलेट में न्यूज़पेपर इस वजह से पढ़ते हैं कि क्योंकि उनको अलग से इन चीज़ों के लिए अपना टाइम ना देना पड़े। वैसे आप इसे एक तरह की टाइम सेविंग भी कह सकते हैं।